लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बिहार के लखीसराय जिले के कवैया थाना के सोनार पोखर वार्ड में सोमवार को महिला ने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी महिला ने पति की हत्या कर आराम से बाथरूम में चाकू धोया और भाग गई। पुलिस ने आरोपी प्रियंका को हिरासत में ले लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी प्रियंका दुर्गा पूजा में अपने माँ के आई हुई थी। महिला का पति सुजीत कुमार पांडेय दो दिन पहले ससुराल आया था। सुजीत ने पत्नी से कहा कि दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, अब अपने घर शेखपुरा चलो। इस बात को लेकर प्रियंका और सुजीत में झगड़ा हो गया, जिसके बाद प्रियंका ने चाकू मार दिया। घायल को तुरंत घर के लोगों ने हॉस्पिटल लाया, पर उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद प्रियंका ने चाकू को पानी से साफ किया और घर से फरार हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद प्रियंका को पुलिस ने उसी गांव से पकड़ लिया। पुलिस हिरासत में आरोपी महिला ने कहा कि मैंने जानबूझकर चाकू नहीं मारा है। विवाद के दौरान सुजीत चाकू पर गिर गया। बताया जा रहा है कि महिला मायके में ही स्कूल ज्वाइन की थी। शेखपुरा जिले के